लखनऊ में शहीद विवेक सक्सेना के परिवार का अनिश्चितकालीन धरना तीसरे दिन भी जारी। शहीद के सम्मान राशि के लिए परिवार अनिश्चितकालीन धरने पर बैठा। शहीद विवेक सक्सेना के स्मारक पर बूढ़ी मां के साथ पूरा परिवार धरने पर बैठा। 18 साल से सरकारी चौखट के चक्कर लगा रहा है शहीद विवेक सक्सेना का परिवार। सरोजनी नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत कृष्णालोक कॉलोनी में बने स्मारक में धरने पर बैठा परिवार। धरने में बैठे हो, क्या कारण है, क्या मांगे जो धरने में बैठे? धरने पर हम इसलिए बैठे हैं, जब से मेरा बेटा शहीद हुआ है उसको जो गवर्नमेंट ने मेडल दिए थे उन मेडलों का कोई सम्मान नहीं हो रहा है। अभी तक किसी ने भी उसको सम्मान नहीं कर रहे, तो हम क्या करें? उन मेडलों को रख करके हम वापस करने के लिए सोच रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को हम वापस कर दें, वो हमारा सहयोग दें कि इसमें हम वापस करने के लिए हम तैयार हैं। जब हमें कोई उसकी धनराशि या कुछ मिलेगा नहीं, उसके जो दिए हुए हैं सरकार ने, वो तो उसका हम क्या करें रख करके मेडलों का? कब ये शहीद हुए, कितने साल से सरकारी चौकी चक्कर लगा रहे हो? 2003 में शहीद हुए थे 8 जनवरी को। 18 साल से मैं यही धक्के खाती आ रही हूँ और किसी ने भी मेरी कोई सुनवाई नहीं की है। मेडलों के लिए इसलिए मजबूर हो करके मैं वापस करने की बात कर रही हूँ। मेरी इसमें मदद करें शासन और ये मंत्री, प्रधानमंत्री जी, ये मेरा वापस करने के लिए मेरे को मजबूर कर रहे हैं कि ये दिलवा दें, मदद कर दें, इसमें वापस कर दूँ मैं। धरने में इसलिए बैठे हैं कि कई बार प्रशासन ने हमको आश्वासन दिया और पिछले 18 वर्षों से आश्वासन दिए जा रहा है कि हम आपको ये सारी सुविधाएं दे दी जाएंगी, लेकिन अभी तक जो है हमें कोई भी सुविधाएं प्राप्त नहीं होंगी। जैसे शौर्य चक्र का मिला है उसको, उसके एक मुश्त राशि होती है। वीर चक्र के श्रृंखला में जो राशि है वो मिलनी चाहिए। ग्राम समाज की भूमि है और उसके नौकरी है, और मणिपुर गवर्नमेंट भी एक्सग्रेशन कंपनसेशन देती है, वो भी मना कर दिया है, और होम मिनिस्ट्री भी मना कर दिया है कि हम किसी भी शहीद का जो है पैसा रिवर्स नहीं करेंगे, वो केवल उसकी रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनाइजेशन ही देगी। तो अभी तक ये सुविधा हमें प्राप्त नहीं हुई है, इसलिए हम धरने बैठे हैं। और अभी लगातार हमको 2 बार से आश्वासन मिलता रहा कि 10-10 दिन में हम आपको कार्य कर देंगे, लेकिन तीसरी बार कल जो है आनंद सिंह SDM आए थे, उन्होंने भी कहा कि 1 हफ्ते में आपका ये कार्य हो जाएगा, कृपया करके धरना से हटिए। तो हम लोग केवल 7 दिन के लिए बैठे हैं, अगर 7 दिन बाद नहीं आते तो हम राष्ट्रपति जी को पत्र लिखेंगे ताकि इन मेडलों कोई महत्व नहीं है, तो कृपया करके वापस देने की कार्रवाई करें इसको।